नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक सभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का डिफिनेशन क्या होता है और ड्राइंग की एंट्री करने का सही तरीका मैनुअल कैसे होता है। तो आज हम जानेंगे कि इसी ड्राइंग अकाउंट की एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है, किस वाउचर में करना चाहिए, किस नेचर ऑफ अकाउंट के अंदर उसका लेजर क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट की जर्नल एंट्री करने का टैली में सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली में ड्राइंग अकाउंट की जर्नल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक नई कंपनी आप क्रिएट करेंगे, आते हैं वापस हम टैली में। टैली में कंपनी बनाने का प्रोसेस आपको पता ही होगा, आप अल्ट्रा एफसी से क्रिएट कंपनी करेंगे एंड यहाँ पे आप जिस नाम से मुझे ड्राइंग का काम करना है, ड्राइंग अकाउंट का, ड्राइंग नाम से मैंने कंपनी बना दिया ड्राइंग अकाउंट, ये एंटर कर दिया एंड स्टेट कंपनी आप फिल कर लीजिए यहाँ पे स्टेट एंड डेटा को सेव करा लीजिए। ये प्रोसेस आपको शुरू से बताया जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा इस पर। और जैसे कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, यहाँ पे आपकी ड्राइंग नाम से कंपनी तैयार हो गई है, वापस आप स्केप करके गेटवे ऐप टैली पे चले जाएगा। गेटवे ऐप टैली से सीधे आप क्वेश्चन पे आएगा, जिस क्वेश्चन को मुझे ड्रॉ करना है नहीं बनाना है इसमें। तो हम आते हैं यहाँ पे टैली में ड्राइंग अकाउंट एंट्री करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने पहला क्वेश्चन, मिस्टर राय विदड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी मिस्टर राय ने व्यक्तिगत यूज के लिए व्यापार से 5,000 रुपये का माल लिया हुआ है। तो इसकी एंट्री पास करेंगे ड्राइंग डी टू गुड्स अकाउंट और किस फंक्शन में पास करेंगे, F7 यानी जनरल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एंड मिस्टर राय विदड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर यूज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 5,000 रुपये नगद निकाला है। तो ये नगद निकाला है, ये सेम एंट्री पास होगी, ये भी आपका F7 में पास करेंगे और ड्राइंग टू कैश की एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट आई जानिए किसमें किसका किसका लेजर हमें तैयार करना है। तो आइए लेजर आपके सामने है, इसमें लेजर क्रिएशन जो करना है वो ड्राइंग का अकाउंट बनाना है, जिसमें जाना है उसको कैपिटल अकाउंट्स में, यानी ड्राइंग हमारा कैपिटल से निकलता है एंड गुड्स है, गुड्स को परचेज में दिखाएंगे यानी जो माल होता है, और कैश अकाउंट का लेजर टैली में ऑलरेडी बना रहता है जिसका अंडर हेड कैश इन हैंड होता है, यानी कैश का लेजर आपको नहीं बनाना पड़ता है। तो आइए स्टूडेंट इन पहले इन तीनों का लेजर क्रिएट किया जाए। वापस हम यहाँ से टैली में चले जाते हैं, टैली में आ गए और टैली में अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट, यानी ये आपको यहाँ पे वाउचर एंट्री में आ गए हैं, तो वापस हम F7 प्रेस करेंगे, जो आपके सामने जनरल खुल गया यहाँ पे, और जनरल में अल्टर सी करिएगा लेजर बनाने के लिए। हमें लेजर किसका बनाना है, ड्राइंग खाते का, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट्स का लेजर तैयार कर लिया, ड्राइंग कैपिटल्स में जाता है, कैपिटल्स को ऐड कर लीजिएगा कैपिटल्स में एंड डेटा को सेव करा लीजिए। कितने का ड्राइंग कितनी पास है, 5,000 निकाला हुआ है, क्या निकाला है, गुड्स, तो गुड्स का लेजर भी बना लीजिए, यानी गुड्स किस में आएगा आपका, परचेज होता है यानी स्टॉक होता है। तो नीचे जो ऑप्शन आपके खुल रहे हैं इसको नो कर दीजिएगा, ये हमारे कोई मतलब का नहीं है एंड सेव करा लीजिएगा एंड स्टूडेंट यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये एंटर कर दीजिएगा एंड सेव। ये पहला बिल आपका तैयार हो गया, आइए दूसरा बिल तैयार किया जाए। दूसरा बिल सेम है, कैश निकाला हुआ है 5,000 रुपये का, तो एंट्री वही रहेगा ड्राइंग एंड कितने का निकाला है, 5,000 रुपये का, 5,000 सेट कर लीजिए यहाँ पे टू कैश, कैश का लेजर जैसे मैंने बताया था। तो कभी कभी ये होता है कि जब जनरल में आप एंट्री पास करते हैं तो कैश का लेजर हाइड रहता है, तो इस हाइड लेजर को आपको ओपन करने के लिए F12 का इस्तेमाल किया कीजिए। F12 करेंगे तो यहाँ पे एक फीचर्स आएगा, जनरल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इस जनरल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपको चौथा नंबर ऊपर से अलाउ कैश का जनरल इन एंड वाउचर, इस फंक्शन को आप यस कर दीजिएगा तो कैश वाउचर यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ यस कर लीजिएगा, यस करके सेव करा लीजिएगा। सेव करने के बाद देखिए अब यहाँ पे कैश का लेजर आपका शो कर रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए कैश, ये आ गया कैश आपका। नरेशन आपका सेम रहेगा, जहाँ पे आपका गुड्स था वहाँ पे के स्टूडेंट कैश कर दीजिए, ये नरेशन कैश हो गया।
और गुड्स को मिटा दीजिए। ये नेशन लिख दिया आपने, बींग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ये भी एंट्री आपने जनरल में पास कर दिया एंड इसको सेव करा लीजिए। तो ये हो गया आपका जनरल यानी ड्राइंग की एंट्री टैली में करने का सही तरीका ये था। और इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि क्या एंट्री आपने पास किया है, तो डे बुक में जाके आप देख सकते हैं। जिसे डे बुक में मिटाया था, डिस्प्ले में जाइए और डे बुक ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको दोनों एंट्री दिखाई देगी। तो ऐसे एंट्री की जाती है ड्राइंग का टैली में। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग अकाउंट की जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये ड्राइंग अकाउंट एंट्री हम अपने व्यक्तिगत यूज के लिए व्यापार से जो भी कुछ निकालते हैं उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं और टैली में कहाँ पास करना चाहिए, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए। तो हर वीडियो आज के प्रोफेशन अकाउंट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन में हर व्यक्तिगत बिजनेस करने वाला या कोई इंप्लॉय कहीं जॉब करने वाले के लिए हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।